हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास टेंथ के जो इतिहास की बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसका चैप्टर 6 है, काम आराम और जीवन। ये चैप्टर का टाइटल है, हेडिंग है। तो हिस्ट्री की बुक का, क्लास टेंथ की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 काम आराम और जीवन, उसकी हम नोट्स देखेंगे। बहुत ही इजी नोट्स हैं, सपोर्ट मटेरियल से करवाऊंगी मैं आपको। और बस यही एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही कम दे रखा है इसमें, बस एक ही पेज दे रखा है। और फिर ये सपोर्ट मटेरियल से करवाई हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। और एक अंक वाले फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, 1 मार्क्स वाले भी और 5 मार्क्स वाले भी। चलिए पहले ये देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। काम आराम और जीवन हेडिंग पे सबसे पहले फोकस करते हैं। काम आराम और जीवन क्या होता है? सब तीनों वर्ड बहुत ईजी हैं। काम काम करना, आराम आपको पता है, और जीवन जिंदगी गुजारना, यही होता है। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। महानगर क्या होता है? सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस देखेंगे, सारे डेफिनेशंस ही हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले है महानगर क्या होता है? किसी प्रांत अथवा देश की घनी जनसंख्या वाला विशाल नगर जो प्राय वहाँ की राजधानी भी होती है। अच्छा, मतलब महानगर आपको समझ आया होगा कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई शुद्ध हिंदी में नहीं है। मतलब किसी देश का कोई ऐसा नगर, कोई ऐसी जगह जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो और वो किसी देश की राजधानी भी कहला सकती है, उसी को हम महानगर कहते हैं। शहरीकरण क्या होता है? किसी स्थान के शहर अथवा कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। अच्छा, शहरीकरण कहते हैं कोई भी जगह है, उसका शहर या उसका कस्बा कुछ भी है, किसी भी जगह पे कोई शहर है या कोई कस्बा है, और तो उसका विकसित होना, उसमें उसकी तरक्की होना, उसकी डेवलप होना शहरीकरण कहलाता है। परोपकारी क्या होता है? वो व्यक्ति जो समाज के हित के लिए काम करता है, बहुत ईजी लिखा हुआ है, जो समाज के हित के लिए काम करेगा वो परोपकारी कहलाता है। टेनेमेंट्स क्या होता है? टेनेमेंट्स होता है बहुत अधिक भीड़ वाले काम चलाऊ मकान को हम टेनेमेंट्स कहते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ वाले काम चलाऊ मकान, उस मकान में बहुत भीड़ होती है और वो काम चलाऊ ही मकान कहला सकते हैं, उसको हम टेनेमेंट्स कहते हैं। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाकों में पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें गरीब इलाके भी होते हैं, उन्हीं में ये मकान होते हैं। संयमता आंदोलन क्या होता है? इस आंदोलन में मुख्यतः कामकाजी लोगों में शराब का उपयोग कम करने पर बल दिया जाता था। इस आंदोलन में क्या होता? तो जो कामकाजी लोगों में शराब का उपयोग कम करने पर बल, मतलब शराब का उपयोग नहीं होगा, कोई वाइन का यूज नहीं करेगा, इस पर ज़्यादा जोर दबाव दिया जाता था इस आंदोलन में। श्वासारोधन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने को हम श्वासारोधन शुद्ध हिंदी में कहते हैं। व्यक्तिवाद क्या होता है? समुदाय के बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर बल दिया जाना व्यक्तिवाद कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, समुदाय कहते हैं ग्रुप को, ग्रुप की बजाय व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या उसके अधिकार हैं उस पर बल दिए जाने को हम व्यक्तिवाद कहते हैं। बेरान हॉसमॉन क्या होता है? एक वास्तुकार था जिसने नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में फ्रांस को एक अति सुंदर शहर का रूप दिया था, वही बेरान हॉसमॉन कहलाता है, उसको ही कहते हैं। प्रेजिडेंसी शहर कौन सा शहर है? ब्रिटिश शासन के इनके अधीन बंबई, बंगाल और मद्रास आदि
फ्रेजिडेंसी शहर थे, क्योंकि ये फ्रेजिडेंसियों की राजधानियां थीं, इसलिए ये शहर फ्रेजिडेंसी शहर कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्रेजिडेंसियों की राजधानी थी। भूमि विकास क्या होता है? दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या अन्य किसी काम के लायक बनना, भूमि विकास का होता है। जैसे भूमि कहते हैं किसी भी जगह को, विकास कहते हैं डेवलप को, किसी कोई भी जगह डेवलप हो रही है तो हम उसको भूमि विकास कह देंगे। दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या अन्य किसी काम के लिए, कोई भी अजीब सी दलदली सी जमीन है तो उसको हम रहने के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम उसको थोड़ी उसमें मरम्मत कर रहे हैं। कोई टूटा फूटा घर है तो कोई गरीब लोग हैं वो उसको सही कर रहे हैं, उसकी मिट्टी मरम्मत कर रहे हैं उसमें रहने के लिए, या कोई जगह है तो उसकी मरम्मत करी जा रही है खेती करने के लिए, तो वही अन्य किसी काम के लिए, किसी काम या कोई और काम के लिए उसको सही बनाना, सही करने को हम भूमि विकास कहते हैं। धुआं निरोध कानून, ये कानून था, धुआं निरोध कानून। कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां धुआं निरोध कानून पारित किया गया, मतलब धुआं निरोध कानून एक कानून था और ये सबसे पहला भारत का शहर कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में ही स्टार्ट किया गया था। अब 2 पॉइंट्स फ्रेंड्स, टोटल 14 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स और हैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए वो और देख लेते हैं। 12, 13 और 14 पॉइंट्स फ्रेंड्स, ये जो है ये 3 पॉइंट्स और हैं, 12, 13 और 14। 12 पॉइंट्स है बॉम्बे डेवलपमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुई, और बॉम्बे डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है, इसकी स्थापना 1890 में हुई, आपको याद करना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी आ सकता है कि बॉम्बे डेवलपमेंट की स्थापना डेवलपमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, तो 1898 में हुई। बगीचों के शहर की अवधारणा, वास्तुकार व योजनाकार एवं एवनेंजर हार्वर्ड ने प्रस्तुत की थी ये अवधारणा। बगीचों के शहर की अवधारणा ये वास्तुकार व योजनाकार एवनेंजर हार्वर्ड ने प्रस्तुत की थी। इनका थोड़ा हिंदी में नाम लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। 14 पॉइंट है ब्रिटेन के दो प्रारंभिक औद्योगिक नगर, ब्रिटेन के दो शुरू के औद्योगिक नगर हैं लीड्स और मैनचेस्टर। तो बस यही है 14 पॉइंट तक, ये लास्ट पॉइंट था। ब्रिटेन के दो औद्योगिक नगर हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से नगर हैं, लीड्स है और एक मैनचेस्टर है। चलिए हमारा चैप्टर खत्म होता है एक ही वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी, जैसे कि मैं हर वीडियो के चैप्टर के लास्ट में अपलोड कर देती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।